मैंने ये जो फिल्म बनाई है मुद्दा 370, इसका पहले टाइटल था धारा 370, जम्मू एंड कश्मीर। और जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी दिसंबर जनवरी में, और मैंने कई प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया कि सर ये फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, उनको सुनाया मैंने, तो सब कहते थे कौन देखना चाहता है धारा 370, क्या है धारा 370, किसी को पता ही नहीं है कि धारा 370 है क्या। और फिर जो लोग जानते बोले राकेश इसमें ग्लैमर नहीं है, कौन देखेगा, क्या है। तो मैंने जब ये फिल्म स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट की, कोशिश की प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, कोई करने को तैयार ना था, तब मुझे मौका मिला, मिस्टर भगवत सिंह पंडित जो मेरे प्रोड्यूसर हैं उनको सुनाई, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो उन्हें अच्छी लगी। उन्होंने वन मीटिंग में कहा कि यस आई एम रेडी फॉर दिस फिल्म। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पसंद की, उन्होंने बोला फटाफट स्टार कास्ट पसंद करो, अपना काम कीजिए। मैंने अपनी बड़ी मेहनत से हितेंद्र तिजवानी, अंजलि पांडे, मेरी जितने अति स्टार कास्ट है, जो मेरी मनोज जोशी, राज जोशी, जरीना वहाब, अनिता राज, मोहन कपूर और पंकज धीर, इन सबको इकट्ठा करके मैं शूटिंग में निकला मार्च को। और मार्च में मैंने अपने पहला शेड्यूल कम्प्लीट किया कश्मीर में। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का। और धारा 370 एक ऐसी फिल्म है जो 1989 और 1990 के बारे में पूरी चीज़ें दर्शाती है, क्या हुआ हमारी कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, उनकी माओं के साथ, बहनों के साथ, बीवियों के साथ, किस तरह से वो निकाले गए वहाँ से, किस तरह से उन पर जुल्म हुए, हमारे मंदिर चलाए गए, वो सारी हकीकत जो मैंने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और एक लव स्टोरी के द्वारा, एक कश्मीरी पंडित लड़की है अंजलि पांडे, और कश्मीरी मुस्लिम लड़की है अंजलि पांडे, कश्मीरी पंडित लड़का है हितेंद्र तिजवानी, इन दोनों की लव स्टोरी के द्वारा मैंने एक अच्छी सी लव स्टोरी पेश करने की कोशिश की है, जैसे एक दूसरे के लिए आपने फिल्म देखी होगी। तो उस तरह से मैंने धारा 370 को इस लव स्टोरी के द्वारा मैंने पेश करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, आप जब देखेंगे इसमें जितने हाथ से मैंने दिखाए हैं ये रूबरू हुए हाथ से हैं, जो हकीकत है धारा 370 की, जो हकीकत 1989-1990 में जो हादसे हुए हैं, जो मैंने पढ़े, जो मैंने गूगल से, जो मैंने रिसर्च किया, उस पूरा रिसर्च मैंने कोशिश की है कि मैं इस फिल्म में प्रस्तुत करूं। और पूरी तरह से अब ये रेडी है, 13 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज़ होगी। तो मैं चाहूँगा दर्शकों के हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये फिल्म ना मोबाइल पे देखें, ना लैपटॉप पे, ना चोरी किए हुए ऐप से, प्लीज़ ये फिल्म देखिए आप थिएटर में। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और आप जानना चाहते हैं कि धारा 370 क्या है, मोदी जी ने धारा 370 क्यों हटाई है, तो ये फिल्म ज़रूर आप थिएटर में देखिए। आपको लगेगा कि जो धारा 370 हटाई गई है ये बहुत ही ज़रूरी था हमारी कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, और हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों के लिए भी। जी, मेरा जो किरदार है वो एक कश्मीरी मुसलमान लड़की का है फिल्म में, और वो बहुत ही सिंपल स्वीट फैमिली है उसकी, जिसमें उसका एक भाई है जो कि बिल्कुल ख़िलाफ़ है उन लोगों के। और जो मेरा किरदार है वो कहीं ना कहीं जाकर प्रभावित होता है धारा 370 जब लगती है, जो सिचुएशंस हमने दिखाई हैं उस टाइम पे, जो डिफ़िकल्टीज हुई थी लोगों को, जो फेस किया था, उन सिचुएशंस में कहीं ना कहीं मैं भी फंसी हूँ, क्योंकि मेरी जो लव स्टोरी है वो मैं एक कश्मीरी हिंदू पंडित लड़के को चाहती हूँ, और मैं खुद एक मुसलमान लड़की हूँ, मेरा भाई सारी सिचुएशन के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं मैं कश्मकश में फंसी हूँ, इधर भी हूँ इधर भी हूँ, तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलती है। पहले तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कश्मीर में, आप जानते हैं नहीं होंगे शायद कि कश्मीर की कुछ रूल्स हैं कि आप मस्जिद के बाहर शूटिंग नहीं कर सकते, आप वहाँ पे कोई नारा नहीं लगा सकते, जैसे नारा है तकबीर अल्लाहु अकबर, आप वहाँ पे एक्शन नहीं कर सकते, आप वहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकते, आप गन फायरिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी गवर्नमेंट के साथ, बहुत प्रॉब्लम्स हुई मुझे शूटिंग में, दिक्कतें हुई, लेकिन मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद था, भगवान की दया थी, और मेरी टीम का जो सपोर्ट था, मेरी टीम मेरे साथ रही। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हमने पूरी की पूरी सच्चाई दिखाने की कोशिश की, और कश्मीर में रहकर हमने शूट किया, हमने हिमाचल में शूट किया, हमने देहरादून में शूट किया। हाँ, मुझे एक कठिनाई तो बहुत ज़्यादा हुई, आप जानते होंगे कि 1989 में और 1990 में जो कश्मीर के घर थे, जो स्ट्रक्चर्स थे वो वुडन थे, तो वो वुडन स्ट्रक्चर्स मतलब हर घर शायद वुडन ही थे,
तो जब मैं कश्मीर गया शूटिंग करने के लिए तो 2019 में जनवरी में मैं जब लोकेशन देखने गया वहाँ पर तो घर लकड़ी के थे ही नहीं, क्योंकि 2016 में जब बाढ़ आई थी तो सारे घर बह गए थे और सारे अभी जो घर है वो सीमेंटेड है या तो एल्यूमिनियम है या वो सारी चीज़ें हैं। तो जब मुझे वो घर नहीं मिले थे तो मुझे एक गांव दिखाना था जो कश्मीर का, तो मैं ढूंढते मुझे किसी ने बताया देहरादून में आप जाइए आप ढूंढिए। मैंने 5 दिन तक ढूंढता रहा, फिर 12 घंटे ऊपर जकौल में मुझे मिला मोरी परोला एंड जकौल, जहाँ पर मुझे एक गाँव मिला जो 1000 घर जो है थे सिर्फ वुडन थे, तब जाके मुझे ये शूट करने का मौका था। और वहाँ पर मुझे शूट किया, आप देखेंगे ब्यूटीफुल दूसरा कश्मीर है जकौल देहरादून में। और फिर मैंने हिमाचल शूटिंग की 40 दिन की, तो मैंने टोटल मतलब जिस तरह से मैंने पेश किया है फिल्म को, हमारी हिंदुस्तान की जो ब्यूटी है और कश्मीर की ब्यूटी को मैंने जिस तरह से परोसा है, जिस तरह से दिखाया, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। प्रॉब्लम्स आती गई, सब कुछ होता गया, लेकिन अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज मोदी जी मेरे साथ हैं। मुद्दा 370 मोदी जी का ही नहीं, आज हम सबका मुद्दा है। पहले धारा 370 थी, जब धारा हट गई तो आज ये मुद्दा 370 है। तो आप दर्शकों से यही विनती है कि फिल्म देखिए, आपको लगेगा कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतनी कठिनाइयों के बाद भी हमने ये फिल्म कंप्लीट की है। अंजलि, जितेन, मेरी पूरी टीम, मनोज जोशी से लेकर मेरे सारे जो बड़े बड़े स्टार हैं, एनएसडीएंस हैं, टॉप एक्टर्स हैं, इनके आशीर्वाद से आज ये फिल्म कम्प्लीट है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शक इस फिल्म को प्लीज़ थिएटर में देखिए और आशीर्वाद दीजिए हमारी टीम को, ताकि हम फरवरी से POK आपके लिए पेश करें। POK मेरी अगली फिल्म है जो हम शूट करें फरवरी टू अप्रैल, जहाँ पर हम 1947 के बारे में कैसे धारा 370 लगी, क्यों हुआ, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा हरि, कैसे ये हुआ 1947 में। ये अगली फिल्म है हमारी जो 5 अगस्त को हम रिलीज करेंगे, जिस दिन धारा 370 हटी थी। तैयारी तो एज सच कुछ नहीं हुई, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ये ऑफर आया और हमने शूटिंग विद इन 1-2 दिन के अंदर ही हमने शूटिंग शुरू कर दी थी। तो जो भी तैयारी रही वो इसके दौरान ही रही, फिल्म के दौरान ही हम लोग जो भी था प्रिपेयर करते थे। तो क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ तो मुझे इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई लैंग्वेज पकड़ने में। मेरी तरफ से और अंजलि की तरफ से और मेरे पूरे जो टीम है, मैं सिर्फ मेरी एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे असिस्टेंट्स, मेरे राइटर निसार अख्तर जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन डायलॉग्स लिखे हैं, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स सैयद अहमद, साहिल मुल्ती, राहुल भट्ट, आशा भोसले जी का आशीर्वाद जो उन्होंने मेरी फिल्म में गाने का मुझे अवसर दिया, आशा भोसले जी ने जो आइटम सॉन्ग किया है इस फिल्म में, जो गाया है राखी ने, परफॉर्म किया है, एंड पूरी टीम की तरफ से मुद्दा 370 की मैं लोगों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूँगा, बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि फिल्म प्लीज़ और प्लीज़ सिर्फ थिएटर में देखिएगा। आपको इस फिल्म को थिएटर में देखने का इतना सुकून मिलेगा कि जो हकीकत हमारे कश्मीरी पंडितों पर हुई है वो जाके थिएटर में देखिए, तब आपको पता चलेगा कि धारा 370, मुद्दा 370 क्यों हटाई मोदी जी ने। जय हिंद। नहीं यार, सॉरी, रेडी, बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से आइडिया तो मुझे नहीं आया, आइडिया सर को आया, मतलब राकेश सर को आया, और वो आइडिया इन्होंने इनको बताया, इन्होंने सपोर्ट किया एंड फिर मेरे पास आई फिल्म। मैंने पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, देखा मैंने ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था। मैंने सुना था कि 370 ऐसा कुछ है, बट एक्चुअली क्या है, क्या हुआ था, कश्मीरी पंडित जो थे वहाँ रहते थे, जिनके घर थे, उन्हें क्यों जाना पड़ा, कैसे गए, उनके क्या बीती, ये इस फिल्म में देखने को मिलेगा और इस फिल्म के ज़रिए लोगों को देखने मिलेगा, आई एम श्योर। क्योंकि ये मुद्दा या क्योंकि ये बात हुई, 370 रिबॉलिश किया गया, खारिज किया गया, तो लोगों ने इसका मतलब पता लगाया कि एक्चुअली है क्या, इसीलिए लोगों को पता चला है कि एक्चुअली 370 है क्या, लेकिन ये हमने पहले बना दिया था। आप लोगों को सबको पता ही होगा कि ये ऐसा नहीं है कि रातों रात फिल्म बन जाती है और 1 महीने में रेडी होके
इट टेक्स टाइम. तो हमारी फिल्म रेडी थी, पोस्ट में चली गई थी, तब ये डिसीजन लिया गया कि 370 निकाला जाएगा, अबॉलिश किया जाएगा. तो चलो, हम तो यही दिखाना चाहते थे कि 370 था क्या और हुआ क्या था. हमारा पर्पस इज सॉल्व. अब लोग देखेंगे, लोगों को पता चलेगा क्या है, अब वो ही डिसीजन लेंगे कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या क्या है, कैसा है. इस देयर कॉल ये फिल्म पहले बाकी सारे कैरेक्टर्स साइन हो चुके थे, उसके बाद मेरे पास आई. जब मैंने पूरे सब कुछ देखा, मैंने सारे एक्टर्स देखे, मैंने बोला यार दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा एंसेंबल है, इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग, द स्क्रिप्ट वॉज वेरी गुड, मैंने लगा चलो लवली. थर्ड थिंग इज दैट, यू नो, आई थॉट के कश्मीरी पंडित का रोल एक करने का मौका मिलेगा, और क्या बीती, कैसा हुआ. तो ओवरऑल मैंने देखा कि यू नो एवरी थिंग वॉज वर्किंग लाइक ए वाई आर, इट इज समथिंग विच आई शुड डू, विच माई यू नो फैंस एंड एवरीबडी शुड नो के ये भी हुआ था. तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट, और आई एम देयर. अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने इसमें ज़्यादा कश्मीरी इनकॉर्पोरेट नहीं की है, क्योंकि नहीं तो फिर क्या, थोड़ा सा वो रीजनल टाइप में चला जाता. इट्स मोर और लेस जेनरिक. वी हैव केप्ट एक्शंस, वी हैव केप्ट लिटिल, थोड़ा बहुत न्यूएंसेस हैं, यू नो, जैसे वहाँ उनके बाग हुआ करते थे, अखरोट के बाग और ये सब, तो वो सब दिखाए हैं. सेब के बाग और पता चला कि यू नो सेब के सीजन्स पता चले, और क्यों यू नो माना जाता था कि यू नो ये लोग के पास सब कुछ है, तो वाई पीपल यूज टू लुक एट देम कि क्या हमारे पास नहीं है, क्या इन लोग के पास है. तो वो सब पता चला जब हमें पूरा स्टोरी के अंदर गए. थोड़े से न्यूएंसेस हैं, बाकी कोई मेजर ये नहीं है कि यू नो कि बड़ा, बिकॉज इट इज़ मोर और लेस कनेक्टिंग. इट्स हम जैसे हिंदी बात कर रहे हैं वैसा ही. राकेश हमारे पुराने साथी हैं, और एक दिन उन्होंने बताया कि मैं आर्टिकल 370 पर कुछ एक मूवी बनाना चाहता हूँ. तो क्योंकि कंटेंट बेस्ड कहानी थी, तो मैंने अपनी कंसेंट दी और शुरुआत कर दी. और हम भी चाहते थे कि लोगों को पता तो चले कि आर्टिकल 370 क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है, क्यों हाय तोबा मची रहती है, संसद में भी गूंजता है मुद्दा, यूएनओ में भी गूंजता है, सब कहते हैं कि ये हटना चाहिए, कश्मीरी लोग कहा करते थे ये क्यों हटना चाहिए. तो वही सब दिखाया है, और 1990 का जो पलायन हुआ था हिंदुओं का, वहाँ उस पर ज़्यादा फोकस किया है, और फिल्म की तरह से थोड़ा फिक्शन भी डाला है. तो जहाँ तक इसके एब्रोगेशन की बात है जो अभी हुआ है 5 अगस्त को, तो उसकी वजह से तो थोड़ा बस माउथ पब्लिसिटी हो गई है कि भाई फिल्म बनी है इस पर. लेकिन ये फैक्ट है, जैसा नितिन ने बताया कि ये वी स्टार्टेड इट इन द मंथ ऑफ मार्च. जब ये हुआ, एब्रोगेशन हुआ, तब तक तो फिल्म कंप्लीट हो गई थी. पोस्ट में भी 80% काम हो चुका था, तो कुछ बचा नहीं था. बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट जितने लोगों ने सुना, उन्होंने भी साथ देना चाहा कि भाई ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए. तो अगर हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो दे वर रेडी टू सपोर्ट. मतलब जैसे हम गए, वी वर शूटिंग फॉर चंक इन मनाली, तो वहाँ पे सारे जितने भी लोग हैं, जो मेन लोग हैं, जो भी वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, वो तक हमारे साथ हो गए कि आप करिए, बनाइए, आपको जो भी चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प. वहाँ के आई थिंक कल्चर मिनिस्टर आए थे, सबको एनकरेज करके गए, और जिसने जो भी देख रहा था, सुन रहा था कि भाई आर्टिकल 370 पे एक 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 मूवी बनाई जा रही है, तो एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग कि एक ऐसा सब्जेक्ट था थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने की वजह से कि नोबडी वांटेड टू टच इट. लेकिन हमने थोड़ा सा हिम्मत करी, आर्टिस्टों ने हिम्मत दिखाई, इनका भी हिम्मत है कि भाई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में कोई काम करना, कि पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो रिलीज़ होगी कि नहीं होगी, और रिलीज़ हो भी गई तो कई तरह की कंट्रोवर्सी आ जाती है, आपके खिलाफ़ जो है केसेस हो जाते हैं, अपील चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन सबने कहा कि क्योंकि हम फैक्ट्स दिखाया है हमने. ओके, सो इसके अलावा
थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ और जितना फॉलो कर रहा हूँ उससे यही बता सकता हूँ कि सिद्धार्थ इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ही इज़ प्लेइंग हिज गेम। दोनों का झगड़ा हो गया है, सिद्धार्थ और आसिम का अभी, जो कि अभी नहीं होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो बाकी लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो अभी सब लोग देख ही रहे हैं कैसे कैसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, दोनों के कान भर के, उसके कान भर के, उसके कान भर के। बट दोनों साथ हो जाएंगे तो दिस विल बी अ वेरी वन साइडेड गेम, वेरी स्ट्रांग हो जाएंगे ये दोनों, तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है। मास्टर माइंड तो देखो एक ही था हमारे टाइम पे था जो, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई आया है और ना ही कोई आएगा। बट यस, अगर आप ऐसे बोलो तो हिंदुस्तानी भाव ने कुछ खेल खेला है जिसका नतीजा यहाँ तक पहुँचा है, तो बस इतना छोटे में एक हिंट दे देता हूँ। थैंक यू।